स्टार्ट करते हैं मैथ के फॉर्मूला से। फॉर्मूला में जाते हैं, मैथ वाला, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन। तो सबसे पहला फॉर्मूला है अपने पास एबीएस। एबीएस क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कर देता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कुछ वो है, अब मुझे यहाँ पे एवरेज चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ये माइनस वाले को प्लस में ही कंसीडर करे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो एवरेज मुझे उसमें निकाल के दे। सही। तो एबीएस का फार्मूला है जो क्या करता है, चाहे वैल्यू प्लस हो चाहे माइनस हो, ये आपको प्लस ही देगा। ठीक है। इसमें अगर एवरेज देखेंगे तो आपको ठीक ठाक देगा, मतलब माइनस को प्लस में कर देता है। प्लस हो तो प्लस में देता है, माइनस हो तो भी प्लस में देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में देता है आपको। उसके बाद आपका ये जो फॉर्मूला इस यहाँ लगा रहे थे जहाँ पे माइनस एट आया एवरेज, यहीं पे एब्सोल्यूट लगा नहीं सकते थे क्या? यहाँ पे लगा सकते थे, पर एबीएस क्या है कि सिंगल उसको कंसीडर करता है, सिंगल वो दे सकते हैं बस। ओके। यहाँ प्लस में आता है पर सही एवरेज नहीं देता। हमें यहाँ एवरेज में कर रहे हैं। ठीक है। ओके। एक केस में कर सकते हैं, जैसे एवरेज का फॉर्मूला मैंने लगाया, यहाँ से एवरेज के अंदर एब्सोल्यूट डाल दिया। ठीक है जी। तो वो सिंगल वैल्यू लेता है, यहाँ मल्टीपल वैल्यू लेगा। बस इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है, तब मल्टीपल वैल्यू को एक साथ कन्वर्ट करके रिजल्ट वही दिखाएगा। ठीक है। ओके। एरे फार्मूला। हाँ, एरे फार्मूला हो जाता है। एरे का यूज हो। हाँ, एरे फार्मूला हो गया है। जो एरे फार्मूला आगे डिस्कस करेंगे एरे को। इसके अलावा एक और चीज होती है हमारे पास इधर, सीलिंग और फ्लोर दो फंक्शन है। देखिए सीलिंग क्या रिजल्ट देता है, ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है कैपिंग के लिए यूज होते हैं। सीलिंग का जैसे मैं लगाऊं सीलिंग नंबर और कितने की कैपिंग करनी है, मैंने कहा सात की कैपिंग कर दो, तो जब तक सात आ नहीं जाता ये सात सात पे ही चलेगा, और जैसे ही अगली रेंज में होगा जैसे सात से आगे में तो ये चौदह पे एंटर कर जाएगा, मतलब जंप मारेगा अगले। ठीक है। फ्लोर का अभी बताता हूँ। फ्लोर का फॉर्मूला है, फ्लोर इज सीलिंग और फ्लोर में थोड़ा सा अंतर है। सीलिंग हो जाती है छत, मतलब पहले ही पहुंच जाता है, फ्लोर होता है कि नीचे ही रहता है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें भी सिग्निफिकेंस सात का देता हूँ सेम, तो क्या है जब तक सात पूरा हो नहीं जाता तब तक सात नहीं देगा, फिर आगे जब। ठीक है जी। इसको यूज जैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके एक पैकेट है जिसमें सात पीस आते हैं, तो आपने कह दिया कि कितने, अब मुझे मान लीजिए 16 है तो कितने पैकेट मंगाने पड़ेंगे, इसको मैं डिवाइड बाय उसी सिग्निफिकेंस से कर देता हूँ। तो एक तरह की आपकी क्वेरी सी हो गई कि मुझे 16 आइटम चाहिए तो कितने पैकेट मंगाने पड़ेंगे, आंसर आया 3। ठीक है जी। और यही चीज इसमें है, तो क्वेरी को इसको कर सकते हैं कि अगर मेरे पास 16 है तो कितने पैकेट मैं बना सकता हूँ, आंसर आया 2 पैकेट, तीसरा तो पूरा होगा नहीं, तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है जी। डेट टाइम के साथ यूज है इसका, डेट के साथ सीलिंग का यूज है, जैसे सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे गेट कर रहे हैं सीलिंग वगैरह यूज कर सकते हैं वहां पे, वो डेट टाइम में देखेंगे कैसे करते हैं इसको। एक होता है कॉम्बिन फंक्शन,
होता है पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के लिए। तो जैसे मेरे पास पांच आदमी है और मुझे दो दो का ग्रुप बनाना है, तो कितने पॉसिबल ग्रुप बना सकता हूँ मैं? 10 आया। पांच आदमी है और दो दो ग्रुप बनाना है। हाँ मतलब पॉसिबल ग्रुप, पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप, ओके। कि मतलब एक को इधर शिफ्ट कर दिया, एक ग्रुप ये हो गया, फिर उस आदमी को दूसरे में कर दिया, मतलब अलग अलग ऐसे ही तीन एक करके। हाँ परमुटेशन टाइप का है, कितने परमुटेशंस होंगे? हाँ पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे चार के ग्रुप है तो पांच ही बनेगा इनके, जैसे पांच आदमियों के नाम करके अलग अलग ऊपर नीचे करके करेंगे तो यही इसी का रिजल्ट ऐसे ही मिल जाएगा। तो कॉम्बिन फंक्शन उसके लिए, ठीक है। सीलिंग कॉम्बिंग, इसके बाद आते हैं आपके ये इवन ऑड, इवन ऑड ये क्या करता है कि नियरेस्ट इवन फाइंड करता है, इवन का फंक्शन करेंगे किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर देगा इवन नंबर, ठीक है। इसको लिया मैंने, और ऑड क्या करता है, ऑड में कन्वर्ट कर देता है। बाकी राउंड के फंक्शन देखते हैं, राउंड किस किस तरह कितने तरह के चलते हैं इसमें। राउंड के लिए जैसे मैं करता हूँ 10.23, 10.96, इन्हीं दोनों में ही पता पड़ जाएगा सर। तो पहला है अपने पास राउंड का फंक्शन है, नॉर्मल राउंड का। तो ये कितने डिजिट तक राउंड करना है, मैंने कहा 0 डिजिट तक राउंड करना है, इसने राउंड कर दिया, ठीक है जी। ऑटोमेटिक राउंड तो इस तरह से चलता है कि पांच से ऊपर वाले को अली अली अप में कर देगा, बाकी को डाउन में कर देगा। एक होता है राउंड अप, ये राउंड अप में कर देगा, ठीक है जी। सेम चीज, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो ये अप में कर देगा, बढ़ा देगा चाहे कुछ भी हो। एक होता है राउंड डाउन, तो राउंड डाउन डाउन में कर देता है। राउंड अप राउंड डाउन हो गए, और भी होते हैं हमारे पास, एक इंट का फंक्शन होता है जो मतलब इसी की तरह ही काम करते हैं। इंट का फंक्शन दूसरा कोई चीज नहीं लेता, इंट माने इंटीजर। तो ये क्या करता है, इसके आगे जो होता है वो उसको हटा देता है, इसका एब्सोल्यूट मतलब एक पॉजिटिव नंबर में ले लेता है, ठीक है। तो आगे पॉइंट डेसिमल लेता ही नहीं है इंटीजर, इस कारण ये डाउन डाउन जैसा काम करता है। एक होता है ट्रंक, तो ट्रंक जो है ये भी सेम का करता है, ट्रंक जो है ट्रंक कर देता है आगे के नंबर्स को। तो ये तीनों फंक्शन आपके राउंड डाउन जैसा काम करेंगे, ठीक है। इंटीजर में क्या है कि इन सब में, बाकी सब में क्या है कि आप डिजिट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने डिजिट तक राउंड होना है। जैसे मैं कर सकता हूँ 1 डिजिट तक राउंड होना है, 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक। इसमें क्या है, इंट में आपका डिजिट वाइज राउंड नहीं होता है, ठीक है। राउंड डाउन और ट्रंक सेम करते काम। तो ये फंक्शन है जो अपने राउंड के लिए यूज होते हैं इसमें एक्सेल में। बाकी और देखते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं नंबर का। जैसे मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल कितना हुआ,
5 का फैक्टोरियल दिखा रहा है 120, 120 कैसे, 4, 3, 2, 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 × 3 × 2 1, ये आता है। एक होता है अपने पास फैक्ट डबल, ये क्या करता है, एक स्किप करके करता है, जैसे 5 × 4 छोड़ देगा, 3 × 2 छोड़ देगा, 1। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, वह फैक्टोरियल निकालने के लिए होता है बस। नहीं, फैक्ट डबल का, फैक्ट डबल फैक्टोरियल यही है, इन्होंने दे रखा है, यूज तो मैंने आज तक नहीं किया इनका, कॉम्बिन का कभी यूज नहीं किया, मुझे फैक्टोरियल इन सब का यूज नहीं किया है, तो मैं बता हो सकता है फाइनेंस साइंस में यूज होता होगा। हाँ, हो सकता है, देखो जहाँ हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कोई फंक्शन है, कौन सा कहाँ यूज हो जाए ना, कोई कह नहीं सकते। एक होता है अपने पास जीसीडी और एलसीएम, जीसीडी पता है आपको, जीसीडी एलसीएम, एलसीएम तो पता होगा। हाँ, दोनों ही थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, मुझे भी थोड़ा ही है, अलग उत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ऐसे याद है, लीस्ट काउंटिंग वैल्यू ग्रेटर काउंटिंग वैल्यू। हाँ, तो ऐसे ही होता है, मैं इसमें कंफ्यूज खुद हो जाता हूँ, जैसे 12-15 में जीसीडी निकालें तो क्या रहेगा, 3 आएगा, मतलब ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा जो डिवाइड करने वाला है वो है, इनमें 3 ही है, 3 से ही। हाँ, 4 आना चाहिए ना 12 के लिए, तो नहीं 12-15, अच्छा 12 और 15 दोनों की है क्या। हाँ, तो ये जीसीडी हो जाता है, 3 × 15, 4 × 12, 3 कॉमन, ठीक है। ऐसे ही एलसीएम होता है, एलसीएम में मल्टीप्लायर हो जाता है कि इनका मतलब जो इनकी सबसे लोएस्ट यूनिट है उनका मल्टीप्लिकेशन इतना आ जाएगा, है ना। जैसे 5, 3, 3 पे दोनों जा रहे हैं, 3, 3 पे दोनों चले गए, 3, 4 और इसमें मतलब कुल मिला के 60 ही आए, 12, 15, 60 एलसीएम, वो लघुत्तम और महत्तम होते थे ना, तो एलसीएम और जीसीडी इसमें मल्टीप्लाई होता है एलसीएम। अब तक तो इनके भूल गए, इतनी मैथ अब याद नहीं रही। 3, 4, 5, 2, 2, 2, 5, 2, 10, 20, 23, 60, ओके। तो ये होता है, बाकी पाई, जैसे आपका पाई की वैल्यू होती थी ना, पाई की वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, ये दे देता है पाई का ही फॉर्मूला, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए फॉर्मूला है आपके पास SQRT, तो स्क्वायर रूट मान लीजिए 16 का निकाला तो कितना है, 4 आया, 16। ऐसे ही पावर का फॉर्मूला है, 2 की पावर 3 कर दी, ठीक है। स्क्वायर रूट और पावर के आपके स्क्वायर रूट के अलावा और भी रूट निकालने का तरीका है कैसा, जैसे स्क्वायर रूट नहीं निकाल के क्यूब रूट निकालना है क्या, क्यूब रूट, क्यूब रूट या 4, 5 आगे आगे बढ़ाना है रूट के अंदर। नहीं, इतना तो इंजीनियरिंग मैंने भी नहीं किए। तो पावर का यूज करना पड़ेगा 1/2। मालूम इतना इंजीनियरिंग वाली मैथ मुझे भी नहीं आती, मुझे जनरल मैथ ही आती है। उसके बाद आपका जो है राउंड रैंडम फंक्शन है, रैंड ये क्या करता है, 0 से लेकर 1 तक की रैंडम वैल्यू देता है आपको, ठीक है जी।
जैसे ही रिफ्रेश करते जाएगा ना तो वैल्यू दिखेगी आपको, 0 से 1 तक की रैंडम वैल्यू देता है रैंड, और रैंड बिटवीन होता है दो नंबर्स के बीच की, आपको जैसे 10 से 90 इनके बीच की कोई भी रैंडम वैल्यू दे देता है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे चाहिए 1 से लेकर 5 तक डबल डेसिमल में कोई भी पॉसिबल वैल्यू, कैसे कर सकते हैं? ये क्या बोलते हैं, रैंड बिटवीन, उस रैंड बिटवीन में तो आपका पता है पॉजिटिव वैल्यू ही चलती है, मतलब डॉट डेसिमल तो कहीं दिखा नहीं रहा। अब मैंने कहा डबल डेसिमल्स, तो मैं क्या करूंगा, 100 500 डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला चलेगा। ठीक है जी, समझ आया मैंने क्या लगाया? ना 100 500 ले लिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया। अब वो ये पहले वैल्यू निकालेगा रैंड बिटवीन का फॉर्मूला 100 में से 500 को, और 100 डिवाइड कर देगा तो रैंडम वैल्यू बिटवीन। तो इस तरह से हम थोड़ा सा चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है ना? इसका ओके, जैसे इंजीनियरिंग में टेस्ट वो होते हैं ना, उसके लिए कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह फेक करने के। कई लोग मेरे से बनवाते हैं वैसे फेक रिपोर्ट्स। तो उसमें ट्रांजेक्शंस को मतलब बैलेंस करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और टॉलरेंस का जो होता है ना वो इससे फिल कर देते हैं। तो रैंड बिटवीन हमने देखा, और देखते हैं और फिर फॉर्मूला मोड का फॉर्मूला है, MOD मॉड्यूल निकालने के लिए मोड, जैसे होता है ना 5 को अगर मैं 4 से भाग करूं तो ए, चलो 6 को 4 से भाग करूं तो रिमाइंडर इसका 2 बचेगा ना, 4 एकम 4 और बचा 2, ठीक है? तो वो रिमाइंडर निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला है, मोड नंबर डालना है आपने और उसका डिविजिट डालना है 4, तो ये आ गया रिमाइंडर पे, ठीक है? कभी रिमाइंडर निकालना हो तो मोड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को रोमन नंबर में बदलने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है रोमन का, अच्छा इसको तो रोमन बोलते हैं, ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? इसको रोमन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक है ना ये, अलजेब्रिक वैल्यूज। अलजेब्रा तो आपका वो होता है बीजगणित, ए आ ए बी स्क्वायर वो सब, ये सब मुझे नहीं पता है। एक फॉर्मूला मैंने देखा था उससे मुझे पता लगा था, इसका रिवर्स का फॉर्मूला था है। जैसे ये एक्सेल मेरे ख्याल से 2010 या 13 में आया है ये फॉर्मूला, ये था ये 13 है, अब ये 13 है। जैसे रोमन खोला मैंने, इसमें है अरेबिक, हाँ अरेबिक, ये अरेबिक है, ये अरेबिक वैल्यूज है, हाँ 1 2 3 ये अरेबिक है, मुझे भी नहीं पता था।
2013 में पावर पिवट यूज किया क्या आपने? हाँ किया जाता है। और वो क्या कहते हैं, यूज किया क्या आपने? हाँ किया है। ओके अब देखते हैं समिप के फॉर्मूले, ठीक है, सम तो आता है आपको, समिप देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ फिगर्स डाली है। सम इफ क्या होता है, कंडीशन के बेस पे जब आपको सम करना होता है, ठीक है। अब जैसे आपने कह दिया कि इनके टोटल कितने हैं, ये बंदे हैं, इनके टोटल कितने हैं, तो आप किससे निकाल सकते हैं, सम इफ के फॉर्मूले से। जैसे पाइवट से समरी निकालते हैं ना, तो समरी वमरी सब सम इफ से बन सकता है। सम इफ में पहली चीज पूछ रहा है रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज। सम रेंज ऑप्शनल है, क्यों, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है, क्राइटेरिया आपका मेन सम रेंज में ही हो सकता है। तो जब आपका क्राइटेरिया सम रेंज के अंदर है, मतलब कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और क्राइटेरिया में ये दे दूं कि ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती सम रेंज की। हाँ ठीक है जी, तो ग्रेटर देन 50। पर जब मेरा क्राइटेरिया डिफरेंट कहीं और से आना है, तो मैं यूज करूँगा सम रेंज का। तो सम इफ मैंने सिलेक्ट किया सबसे पहले रेंज वो वाली जिसमें से क्राइटेरिया आना है, तो मैंने ए वाली रेंज जो है नेम वाला सिलेक्ट कर दिया, रेंज एज अ रेंज। देन क्राइटेरिया आपका आ जाता है नेम, देन सम रेंज कौन सी आ गई, सेल्स वाली, ठीक है जी। तो इन सब का आ गया टोटल, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक कंडीशन के बेस पर टोटल किया है। अब मैंने कहा कि एक जो सिटी है वो ये होनी चाहिए, ठीक है जी, दो कंडीशन आ गए। तो यहां मैं यूज करूंगा सम इफ्स, जो सम इफ था वो सिंगल कंडीशन पे वर्क करता है, सम इफ्स जो है मल्टीपल कंडीशन। इसमें पैरामीटर कैसे कि सबसे पहले आपको सम रेंज देनी है, फिर क्राइटेरिया रेंज वन और क्राइटेरिया वन, ऐसे करके क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया, इस तरह से देना। तो सम रेंज पहले दे दी, फिर क्राइटेरिया वन है मेरा नेम वाला, मैंने दिया। तो क्राइटेरिया टू जो है, टू रेंज जो है वो सिटी है, वो मैंने दे दिया सिटी यहाँ से, ठीक है जी। ये आ गया इनकी पलवल में से, ये है, ठीक है जी, डबल क्राइटेरिया। ट्रिपल भी दे सकता हूँ, कितने भी दे सकता हूँ क्राइटेरिया, ठीक है जी। ओके तो सम और सम इफ ऐसे काम करते हैं। इसी तरह आपका एवरेज और एवरेज इफ भी है, जैसे एवरेज निकालने का है तो एवरेज इफ काउंट करते हैं। काउंट, काउंट के फंक्शन में जब हम काउंट लिखते हैं, तो काउंट क्या करता है, जहां नंबर होते हैं वही काउंट करके बताओ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है, तो टेक्स्ट नहीं बताएगा ये कुछ भी, जीरो ही बताएगा। तो टेक्स्ट भी काउंट करे ऐसा करना है हमें। जैसे काउंट का फंक्शन, खाली अगर नंबर दूंगा ना, तो नंबर को काउंट करके बताएगा कि हाँ इतने नंबर है, सात नंबर है। अगर इसमें से मैं ये पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो सात सात का 14 बता रहा है,
अगर मुझे चाहिए कि टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो सब काउंट करे तो मुझे यूज करना पड़ेगा काउंट ए। मुझे तो सिलेक्ट किया अब बताएगा 21 ठीक है काउंट। और जब हम फंक्शन यूज कर रहे हैं काउंट ये ध्यान रखना है कि अगर सब कुछ काउंट करना है तो काउंट ए यूज करना है जिसका मतलब है काउंट अल्फाबेट ठीक है जी। उसके बाद है काउंट इफ। अब मुझे ये पता लगाना है कि उधर वाले डेटा में इसकी कितनी एंट्री है। इसमें सिंपल सा है रेंज और क्राइटेरिया क्राइटेरिया तो ये 4 बार आया। अब इसमें सब कुछ काउंट करेगा टेक्स्ट भी काउंट करता है वो भी वैसे भी तो 4 4 ये 3 3 बार ठीक है जी काउंट इफ। तो सिंगल रेंज और क्राइटेरिया सिंगल क्राइटेरिया के लिए काउंट इफ है मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए क्या है काउंट इफ्स। इफ्स तो यहाँ पे आप मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं कि यहाँ से नेम रेंज और नेम और दूसरा मैंने कर दिया कि सिटी कितनी है उसमें तो सिटी वाला भी दे दिया मैंने ये सिटी वाला दे दिया ठीक है। ये बता रहा है ये एक एंट्री है ये एक एक, एक एंट्री है बाकी 0 0 ठीक है। और हाँ काउंट इफ को और कैसे यूज कर सकते हैं कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमें सर्चिंग काउंट इफ में या सर्चिंग में काम आते हैं। तो काउंट इफ में जब मैंने नेम पे गया मैंने नेम रेंज ले ली और क्राइटेरिया अब मुझे इसमें ये पता लगाना है कि एस से शुरू होने वाले टोटल कितने हैं ठीक है जी। तो एस से शुरू होने वाले हैं तो उसके लिए क्या करना है मुझे एस और उसके बाद क्या लगाना है स्टार ओके। अब देखिए क्राइटेरिया जो भी पढ़ता है ना सम इफ काउंट इफ इन सब में क्राइटेरिया जो है एज अ टेक्स्ट पढ़ता है। अगर ग्रेटर देन 50 लिखना है तो आपको ग्रेटर देन 50 करके लिखना पड़ेगा। पहले इस पे आते हैं कि ये है क्या वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार। तो ऐसे शुरुआत होने का मतलब है कि पहला जो लेटर हो एसओ स्टार का मतलब है आगे कुछ भी हो सकता है ठीक है जी। तो ऐसे कितने 8 कैरेक्टर से ठीक है जी। अब मैंने कहा एंडिंग जो है वो एच से होनी चाहिए तो एंडिंग मतलब लास्ट का लेटर वो आगे कुछ भी हो स्टार वहां लग जाए ठीक है जी 8 है ऐसे। अब मैंने कहा कहीं भी चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे एंडिंग में हो एच होना चाहिए उसमें तो दोनों तरफ स्टार बन गया चाहे बीच में हो तो ऐसे 11 कैरेक्टर है ठीक है जी। अब किसी के नाम की 8 ज्यादा होना चाहिए 12 आना चाहिए हमने क्या करा था 16 आना चाहिए अभी तो एच के लिए कहीं पे भी एच हो उसके लिए 12 आना चाहिए अभी दिखाता हूँ तो 16 आने चाहिए सॉरी 11 आए थे ना एक मिनट यहाँ पे एच है ना 11 आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास फार्मूला भी ये टेक्स्ट पे फिल्टर का वो भी है बिगिंस विद एंड्स विद कंटेन्स एच एच हाँ इनको काउंट करेंगे कितने आए 11 आए ना ठीक है जी। हाँ ओके एच बस काउंट नहीं कर रहा आ कितने बार रहा है ये काउंट कर रहा है हाँ कितने रिकॉर्ड्स में है हाँ ओके मेरे को लगा कितने एच है वो काउंट करवा रहा है नहीं नहीं कितने रिकॉर्ड्स में तो इसने ऐसे काउंट किया। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है ना ये तो है कि स्टार का मतलब है कि आगे 2 कैरेक्टर हो 3 कैरेक्टर हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता कई बार आपको कैरेक्टर स्पेसिफिक होना पड़ता है। अब जैसे मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे ए है कि यू है ठीक है जी तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं क्या कर एक क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा मतलब मुझे भी नहीं पता इसका मतलब है कि सिंगल डिजिट का कोई भी कैरेक्टर होगा वहाँ
ये काउंट करके बता देगा चार एंट्रीज है, चाहे एस ए हो चाहे यू हो, अगर मैं यू भी करेक्ट करता हूँ तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है जी। मतलब और यदि यू को हटा दिए तो कुछ भी नहीं है तो फर्क आएगा? हाँ, तो वो करेक्टर मिलेगा नहीं ना उसे, वो करेक्टर मिलेगा नहीं, मतलब डिजिट स्पेसिफिक हो जाता है ना ये, डिजिट चाहिए चाहिए उसे स्टार से। अब मुझे इसकी जरूरत पड़ी थी एक जगह सर्चिंग में, कहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट था और उसमें हम लोग टैक्स का देख रहे थे, तो उसमें ना रेंज दी हुई थी और शीट बड़ी लंबी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ढूंढू कैसे, जैसे ये था टैक्स। अब टैक्स में रेंज है कि 4980 से 4985 तक बीच का हो सकता। अब इसमें मुझे सर्च करना है, मुझे पता ही नहीं पड़े कि किसी एंट्री मुझे चेक करनी है, मान लो 13200 है तो यहाँ एंट्री तो कुछ और भी अलग भी हो सकती थी ना, तो मैंने क्या किया 13002 के आगे क्या डाल दिया, दो बार क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं, और डिजिट इतनी रही है। मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, यहाँ 13200 के पास पहुंच गया, 13212, ठीक है ना। अब 200 हो, 211 हो, 212 हो, कुछ भी हो सकता, 200 की सीरीज में होना, तो सीरीज फाइंड करने का ये तरीका है। नहीं तो बहुत लोग इसमें अटके रहते हैं, नहीं पता होता, ये है ही चीज ही ऐसी है कि अगर आपको छोटी सी चीज नहीं पता तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थे आपके जो थे फंक्शंस, और वहाँ एक और चीज लॉजिकल वाली कैलकुलेशन भी इससे कर सकते हैं कि जैसे मुझे काउंट, इफ मैंने कहा कि सेल्स में जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 50 है, तो टेक्स्ट के अंदर इसी तरह से क्राइटेरिया देंगे, ठीक है जी। तो ये तो नंबर, ये तो नंबर है ना, टेक्स्ट नहीं, ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन टेक्स्ट हो जा रहा है। मैं हाँ, मतलब इनवर्टेड कॉमास के अंदर आपको देना पड़ेगा ये एंट्री। ये इनवर्टेड कॉमास के अंदर अपन टेक्स्ट को देते हैं ना, पर ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है 50 एज ए टेक्स्ट ये क्राइटेरिया एक्सेप्ट करता है। अच्छा, क्राइटेरिया ऑलवेज टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा। हाँ, तो ये ग्रेटर देन लगा सकते हैं या लेस देन लगा सकते हैं, ठीक है, लेस देन 50, इक्वल टू 50, कोई भी नहीं है, नॉट इक्वल टू 50, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्राइटेरिया मिलते हैं। ठीक है जी, जब नॉट इक्वल टू 50 किए तो इतनी सारी वैल्यू क्यों काउंट कर लिए? क्योंकि ब्लैंक वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 50 ही होती है, क्योंकि मैंने फुल कॉलम ले रखा है ना, ना अगर ये खाली है तो इसका मतलब ये भी तो है कि ये नॉट इक्वल टू 50 है ना। ओके, इसलिए तो ये थे आपके मैथ के कुछ फंक्शंस। इसमें एक और चीज, एक फंक्शन और बता देता हूँ, सब टोटल का। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको प्रिंट लेना है इस डेटा का, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, बार बार टोटल करते हैं यहाँ पे, फिर प्रिंट लेते हैं। मैं मान लीजिए टोटल कर देते हैं, सम से तो ये मुझे ऐसे है। पर इसमें क्या है कि जब भी मैं फिल्टर लगाऊंगा,
जैसे संदीप, मुझे हर एक का मान लीजिए ऐसे नाम का फिल्टर करके फिर प्रिंट लेना है इस तरह से टोटल। तो अब ये टोटल और ये टोटल बार बार चेंज करना पड़ेगा मुझे, है ना। ओके मान लीजिए टोटल करना है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से करके यहाँ से देखता हूँ 247 फिर डालता हूँ, है ना। तो इसकी जगह मुझे अगर ये टास्क करना है तो उसके लिए एक फंक्शन है मेरे पास। हाँ ये है कि इसको अपनी रेंज से अलग रखें, फिल्टर की रेंज से अलग रखें, क्योंकि रेंज में होगा तो वो भी एज ए वो काउंट कर देगा। फिल्टर के अंदर नहीं आएगा ये, आपका बाहर दिखाने के लिए फिल्टर की रेंज से बाहर। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सम की जगह यूज करूंगा सब टोटल। सब टोटल में क्या होता है, आपके बहुत सारे फंक्शन चलते हैं, एवरेज काउंट काउंट है। तो हमें सम के लिए कौन सा है, 9 है, तो 9 सिलेक्ट कर ले या 9 डाल दे वैसे कॉमा और पूरा रेंज दे दे, ठीक है जी। तो अभी दिखा रहा है 1462, ठीक है। जब हम फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, हरीश 279, ठीक है जी, अमेंड हो गया अपने आप। मतलब खाली ये विजिबल सेल्स का आपको टोटल दिखाएगा, ठीक है जी। 259, तो इस तरह से, ठीक है जी। तो सब टोटल का यूज आप एवरेज के लिए किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं, विजिबल वैल्यूज के लिए, ठीक है जी। तो आज की क्लास समाप्त होती है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। एक्सेल शीट भेज दीजिएगा।